नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल, बोले किसानों की मांग जायज, भारत बंद का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों को मंगलवार को होने वाले भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसानों की हर मांग का समर्थन करते हैं, किसानों का मुद्दा और संघर्ष जायज है। दिल्ली सरकार और हमारी पार्टी किसानों के संघर्ष में साथ है। जब किसान बॉर्डर पर आए थे तो केंद्र और दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए परमिशन मांगी थी। दिल्ली के सीएम बोले कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, लेकिन हमने कोई परमिशन नहीं दी। हमारी सरकार पार्टी लगातार सेवादार की तरह किसानों की सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं सेवादार के तौर पर आया हूं और किसानों की सेवा करने आया हूं। किसान लगातार मेहनत करके अन्न उगाता है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम किसानों की सेवा करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां किसानों से मुलाकात की, किसानों के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उनका जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां किसानों से मिलने के बाद कहा कि किसानों को जो सेवाएं दी जा रही है हम उसका जायजा लेने आए थे। किसानों का कहना है कि वो देश के लिए बैठे हैं, अगर किसानों को दिक्कत हो रही है तो देश की हर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।